देखो खेती में एक व्यक्ति काम कर रहा है, कितने लोगों को अनाज मिल रहा है ना, एक व्यक्ति कर रहा है। तो यहां भी अगर आप एक व्यक्ति आकर के रोज हफ्ते में एक दिन महीने में एक दिन तपस्या अगर करते हो, उसकी शक्ति स्वयं के विकर्म विनाश करता है औरों को भी उसकी प्राप्ति मिलती है। तो उसकी आराम से बैठो, अभी 6:30 से 7:30 तक करेंगे, सुनना बहुत हो गया, करना नहीं है। अगर आप टीवी में खाना देखो सभी पेट भरेगा ना, दिखाई देता है सभी देख के खुश हो जाओ, नहीं खाएंगे तो ताकत मिलेगा ना। तो यहां भी अभी अपने ज्ञान सुना, उसी प्रकार आपका मन बुद्धि वहां स्थिर होगा। उस आधे घंटे में एक भी एक देनदारी किसी के विचार नहीं आए तब कहेंगे लाइन क्लियर। तो उसकी विधि बताया, बैठते ही मन प्रश्न करता है, मैं कौन, बुद्धि जवाब देती है, मेरा रूप, आराम से अपने आप से बात कर, मेरा रूप, तुरंत बुद्धि कहती है हाँ कल सुना था मेरा ये रूप है, फिर मेरे गुण, मेरे 7 गुण है, एक एक गुण अपने आप को याद दिला पड़ा। चौथा, मेरे कर्म, मैं क्या करता हूँ, शरीर को चलाता हूँ, देखना है तो आंखों से देखता हूँ, बोलना है तो मुख से बोलता हूँ, तो शरीर को चलाता हूँ। तो अभी योग करने बैठा हूँ, शरीर का कोई काम नहीं, आत्मा की यात्रा है। तो पांचवा, मैं कहाँ से आया, परमधाम से। तो परमधाम में कौन है, शिव बाबा कौन है, उसके पास क्या चाहिए, मार्केट में क्यों जा रहे आप, हाँ ये लाने जा रहे हो, ये लेने जा रहे हो, ऐसे कहेंगे ना, चाय चाहिए, चाय की पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, सब्जी चाहिए, तो परमधाम में क्यों जा रहे हैं, शिव बाबा के पास सब शक्तियां है, वो हमें शक्ति चाहिए। तो बाबा ने कहा मेरे पास सब शक्तियों का खजाना है, ऑल माइटी अथॉरिटी कहते हैं, सब शक्तिवान है, वो मुझे चाहिए। तो वो कौन सी शक्तियां है, मार्केट में जाने से पहले इधर तैयार करेंगे ना, ये लाना है, ये लाना है, ये लाना है, तो शिव बाबा से क्या क्या लेना है, क्या उसके पास, तो मुख्य 8 शक्तियां है। एक, शिव बाबा हमारा बाप पवित्रता का सागर है, बाबा मुझे आपके जैसे पवित्र बनना है, बाबा ने कहा बाप समान बनो, बाप कैसा और बच्चे कैसा, सन शोज फादर कहते हैं, किसी को देखते ही कहेंगे ना ये तो इनके पिताजी जैसा लगता है ना, तो हमको देखकर कौन याद आना चाहिए, तो ये भगवान के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे। कब होगा ये, जब शिव बाबा की जो शक्तियां है वो मैं धारण करूं, वो अपने आप को नहीं मिलेगा, रोज उसके संबंध में आएंगे, उससे बात करते रहेंगे, तो बाबा आप पवित्रता के सागर, मैं आपके जैसे पवित्र कैसे करूं, क्या करूं, वो सिखाएगा, शक्ति भी देगा। शिव बाबा आप कभी गुस्सा नहीं करते हो, शांति के सागर, मुझे भी आपके जैसे बनना है। कोई कहे ये रावण का बच्चा कहेगा चलेगा, नहीं, भगवान का बच्चा है, कभी गुस्सा नहीं करता है, शांत सीधा है ना। तो ऐसे एक एक शक्ति लेके बात करो, बाबा मैं आपके जैसे शांत शीतल कैसे रहूं। शिव बाबा आप सबको सुख देते हो, आप सबको रोज आके ज्ञान सुनाते हो, मैं भी जो मुझे आप ज्ञान सुनाते हो, मैं औरों को कैसे सुनाऊं, अब उसकी विधि बताएंगे। फिर बाबा आप भाग्य बनाने की विधि बताते हो, तन मन धन समय भगवान की सेवा में लगाओ, कैसे लगाओ। फिर शिव बाबा आप दिव्य बुद्धि लगाओ, बुद्धि को दिव्य बताए, मंदिर में जाके कहते हो भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो, इसके वो आया है, बुद्धि को स्वच्छ कैसे, दिव्य कैसे बनाए, उसकी विधि। तो ये 8 शक्ति लेके अगर आप ऐसे बात करते रहते हो तो मन और बुद्धि ये दोनों उसके साथ जुड़े, और दूसरा कोई नहीं आया, कोई विचार आया, कोई इधर उधर की याद आई, क्यों नहीं आई, आप इतना दिन क्या करते थे, मन चलता था, मैं आत्मा हूं ज्योतिर्बिंदु हूं शिव बाबा प्यार के सागर हो, मन चलता था, बुद्धि खाली, खाली बुद्धि के अंदर दूसरी बातें याद आती थी, बुद्धि को खाली नहीं रखो। इसलिए ये भारत देश है, एक खास